हेलो फ्रेंड्स, मायसेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको मेरे चैनल पर सभी इम्पोर्टेंट ऐसे पोएम और स्लोगन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं आपके लिए ऐसे लेकर आई हूँ। इस टॉपिक पर मैंने पोएम भी अपलोड की हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर उस पोएम को देख सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगी। तो गाइस, अगर आपको मेरी सारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपना सपोर्ट दें, क्योंकि आपका जो भी CBSE एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ भी कंपटीशन होता है उससे रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ मिलती हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज़ बिकम एन इंक्रीजली पॉपुलर ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन रिसेंट टाइम। तो जो इंडिया है वो इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलर है ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए पिछले कुछ समय से। दिस इज ड्यू टू डाइवर्स कल्चर हेरिटेज, हिस्टोरिकल साइट्स एंड ब्यूटीफुल लैंडस्केप दैट अट्रैक्ट्स विजिटर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये क्यों फेमस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन क्यों है इंडिया, यहाँ के जो कल्चर हेरिटेज है उसके लिए, जो यहाँ की ऐतिहासिक साइट्स हैं उनके लिए, यहाँ के सुंदर सुंदर लैंडस्केप के लिए, जो कि पूरे संसार के लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो आप इस तरीके से अपने जो ऐसे है उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस टॉपिक के ऊपर एक दो वीडियो और मैं प्रोवाइड करा दूँगी, पोएम मैंने आपको इसके ऊपर प्रोवाइड करा दी है, तो आप चैनल पर विजिट कर पोएम को देख सकते हैं। और आगे भी इस तरह की वीडियो आपको मिलने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। वन मेजर रीज़न फॉर इंडियाज़ अपील इज़ इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर। तो एक मेजर जो रीज़न है इसका अट्रैक्शन का, वो क्या है, इसकी रिच हिस्ट्री और इसका कल्चर, यहाँ की सभ्यता। द कंट्री इज़ होम टू एंशियंट टेम्पल प्लेसेस फोर्ट्स दैट शोकेस इट्स पार्ट्स ग्लोरी। तो जो यहाँ की पुराने पुराने मंदिर हैं, जैसे कोणार्क सूर्य का मंदिर हो गया, ठीक है, इस तरह के प्लेसेस हैं, जो बड़े बड़े महल हैं, फोर्ट्स जैसे लाल किला या भानगढ़ का किला, इस तरह के किले यहाँ की जो सुंदरता है उसको बढ़ाते हैं। द वर्ल्ड फेमस ताजमहल, जो पूरे संसार का सातवां अजूबा कहा जाता है ताजमहल, अ सिंबल ऑफ लव, जिसे प्यार का प्रतीक माना जाता है, इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज़ हिस्ट्री सिग्निफिकेंस। वो एक कह सकते हैं वो भी लोगों को बहुत आकर्षित करता है। द वाइब्रेंट फेस्टिवल, यहाँ के एक से एक जो फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं, सच एज दिवाली एंड होली, प्रोवाइड द इमर्सिव एक्सपीरियंस इन टू द कलरफुल टेपेस्ट्री ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, जो कि इंडियन ट्रेडिशन को एक विशाल काय बना देता है। फर्दर मोर, इसी तरह इंडियाज नेचर ब्यूटी इज अनपैरेलल्ड, फ्रॉम द सिंसियर बैक वाटर्स ऑफ केरला टू द मेजेस्टिक पीक ऑफ द हिमालय एंड द कंट्रीज लैंडस्केप कैटर्स टू वेरियस इंटरेस्ट। तो जहाँ यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है उसकी तो क्या ही कहना, जैसे उत्तराखंड एक नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, जहाँ पर केदारनाथ और आपका कह सकते हैं मसूरी या ओली, मिनी स्विट्ज़रलैंड जिसको कहा जाता है, इस तरह के प्लेसेस यहाँ पर हैं जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, जो कि जो टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। The India government efforts to promote tourism had played pivotal role in global rise as an attraction. तो जो इसके लिए जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने भी बहुत अच्छा कदम उठाया है, उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है यहाँ का जो टूरिस्ट है उसको बढ़ाने के लिए। तो देखिए, अगर आप गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव चल रहा है उसको आप अपने ऐसे में इंक्लूड करते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि टीचर को लगता है कि हाँ बच्चा अवेयर है जो कंट्री में चल रहा है उससे रिलेटेड भी, तो आप ये चीज़ भी इंक्लूड करेंगे। गाइज, आपको मेरे सभी एसओ में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी जो सबसे अलग होंगी, तो ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
तो अब अट्रैक्शन के लिए कैसे रोल निभाया है? इनिशिएटिव सच एज इनक्रेडिबल इंडिया, आपको याद होगा भारत ने इनक्रेडिबल इंडिया चलाया हुआ था, जिसे हिंदी में अतुल्य भारत भी कहते हैं। चैम्पियन हैज़ इफेक्टिवली शोकेस्ड द नेशन कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज ऑन द ग्लोबल स्टेज। इन कंक्लूजन, एट लास्ट आप कह सकते हैं, इंडियाज इवेल्यूएशन इन टू द बर्गनिंग ग्लोबल अट्रैक्शन इन द टूरिज्म सेक्टर इज रिजल्ट टू इट्स डाइवर्सर हिस्टोरिकल कल्चरल एंड नेचुरल ऑफरिंग। तो ये हर तरीके से क्या है, एक ग्लोबल अट्रैक्शन है, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, कल्चरल हो या नेचुरल हो। तो गाइज, दिस इज़ योर इम्पॉर्टेंट एसे ऑन योर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।